नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते। चलिए, आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैरिज जो है हमारी लाइफ का एक वो इवेंट होता है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रखे, है ना। कहते ना, शादी जो है वो एक लॉटरी की तरह होता है ना। आप बहुत देख समझ के, कई बार अपने नोन पर्सन्स के साथ, कई बार अननोन पर्सन होते हैं, जैसे कि आजकल तो लोग शादी.com और कहाँ कहाँ से ढूंढ के रिश्ते करते हैं। और हमारे लिए ये इतना बड़ा गेम होता है कि हमारी पूरी जिंदगी को कई बार बहुत खूबसूरत और कई बार बहुत ही खराब कर दे। तो मैरिज कंपैटिबिलिटी को कैसे चेक करें? जिनकी हो गई है वो लोग तो रेमेडी कर सकते हैं, वो लोग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो। और जिनकी नहीं हुई है, और आपकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, रिश्ते ढूंढ रहे हैं लड़की के लिए लड़के के लिए, तो उनको क्या देख के मैरिज करनी चाहिए? एक तरीका तो सबको पता है कि हम लोग पंडित के पास जाएंगे, गुड़ मिलवाएंगे और शादी कर देंगे। गारंटी है कि नहीं टूटेगी? कोई गारंटी नहीं। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मिलाकर, हम लोग पूरे कुंडलियों में गुण मिलाकर, जी बच्चे के तो 32 गुण मिलते थे, इसके तो 28 गुण मिलते थे, इसके तो 30 गुण मिलते थे, और कुछ सालों बाद जो है वो शादी टूट जाती है। रीजन कुछ भी हो, हम कह देते हैं इनकी किस्मत थी, इसके तो भाग्य में ही 2 शादियां लिखी थी। अगर लिखी थी तो जब हम सबसे पहले जा रहे थे पंडित के पास, तो वो पंडित जी जरा बोल देते कि इसकी किस्मत में 2 शादियां थी, वो नहीं बोलते ना। ऐसे किस्से आप लोगों ने बहुत सुने। ऐसा नहीं है कि पंडित गलत होते हैं या वो रिश्ते मिलाते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक अच्छे ज्योतिष को जानने वाले पारखी के पास जाओगे, तो वो सिर्फ गुण नहीं मिलाएगा, वो ये भी देखेगा कि ये शादी आगे निभनी भी है कि नहीं, है ना। वो ये भी देखेगा कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, दोनों बच्चों की आयु क्या है, ऐसा तो नहीं कि दोनों बच्चों में से एक कोई बहुत जल्दी कहीं जाने वाला हो, है ना। तो वो बहुत सारी चीजें देखते हैं और बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी भी करते हैं। लेकिन ये तो हो गया कि हम किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं और फिर ये सब करें। न्यूमरोलॉजी के थ्रू घर बैठे बैठे आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी। और जैसा कि यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो मैरिज कंपैटिबिलिटी सीखी हुई है, लेकिन फिर मैं कुछ ऐसा बता जाऊंगी कि कहेंगे मैम आपने क्लास में जो बताया था उससे भी कुछ अलग हो गया। तो कोई भरोसा नहीं, आप लोगों को पता है जब मैं बताना शुरू करती हूँ तो मैं नहीं सोचती कि मेरी क्लास है या मेरा फ्री वेबिनार, मैं कभी नहीं सोचती ये चीज। जब मैं कुछ दे रही हूँ तो उस समय मेरे मन में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं मैं बोलती चली जाती हूँ, है ना। तो आज देखते हैं कि आप लोगों को मैं कितना बता सकती हूँ, और आज ये भी देखेंगे बाद में कि मेरे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि मैम कुछ नया मिला हमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक जब भी हम किसी एक शादी के लिए, अपने बच्चे की रिश्ते के लिए कोई बात शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें लड़की सुंदर है या नहीं है, लड़का हैंडसम है या नहीं है, उससे भी पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ को रीड करा लें। अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हो तो अच्छे ज्योतिष से उनकी कुंडली भी मिला लो, लेकिन सिर्फ उतना मत रह जाना। आज जो मैं आप लोगों को टिप्स देने आई हूँ वो भी जरूर देख लेना कि क्या आपके बच्चे जो हैं वो न्यूमरोलॉजी से भी मैच करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों ने जरूर देखनी, इतना तो आज के बाद आप घर में ही देख लोगे, इतनी गारंटी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। एक शादी के लिए, जब हम कभी भी एक मैरिज के लिए जाते हैं, तो हमें सबसे पहले नेचुरल है कि बॉय की एंड गर्ल की हमें डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ये तो है ना। हमें मैच ही क्या करना है, हमें डेट ऑफ बर्थ मैच करनी है।
मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन आप लोगों को सारा समझाती हूँ कि मैरिज कंपैटिबिलिटी जो है वो किस तरह से हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैरिज कंपैटिबिलिटी जब देखेंगे तो हमें क्या क्या देखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हमें रीड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि फीमेल और मेल का जो बेसिक नंबर है वो हमें जरूर देखना हो। ठीक है, कि उनका बेसिक नंबर क्या है। चलिए, ले लिया बेसिक नंबर हमने, कोई भी बेसिक नंबर हमने ले लिया। ठीक, अब उन दोनों के बेसिक नंबर की कंपैटिबिलिटी है या नहीं, कहीं वो आपस में उनका, अब कंपैटिबिलिटी कैसे देखनी है। आप लोग कहेंगे मैम हमें तो पता ही नहीं कौन से आंटी होते हैं, कौन से क्या होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोले, 1 से लेकर 9 तक के एट्रीब्यूट्स पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और अगर नहीं पता तो मेरे आप लोग वीडियोस में जाकर देख लो। आपको सिर्फ इतना ही पता होना जरूरी है कि 1 से लेकर 9 तक के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसी से आप कंपैटिबिलिटी देख लेंगे। कैसे, मान लीजिए नंबर 1 जो बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है, थोड़ी अपने मनवाने वाला लेकिन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला एक बैलेंस्ड पर्सन है। ठीक है, उसकी शादी, वो क्या है, वो बेनिफिक प्लेनेट है, यानी कि वो ऐसा प्लेनेट है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक, उसकी मैरिज अगर किसी मैलिफिक से कर दी जाए, मैलिफिक कौन से होते हैं आप कहोगे, 4 नंबर है, ठीक, और 1 नंबर, ये हाईली मैलिफिक नंबर, अगर इनसे इनकी मैरिज कर दी जाए तो कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं मानी जाए। ठीक है, एक और नंबर है जो मैलिफिक तो नहीं है लेकिन फिर भी 1 के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं मानी जाती, वो होता है नंबर 6। क्यों है नंबर 6? नंबर 6 तो इतना प्यारा सा नंबर है, लेकिन नंबर 6 जो है वो शुक्राचार्य है, दैत्यों के गुरु। तो नंबर 1 कहता है कि मैं तो रूल्स रेगुलेशन से चलने वाला हूं, मेरे साथ तो उसी की कंपैटिबिलिटी होगी जो देव गुरु है, तो इसलिए मैं 3 के सिवा 6 को तो बिल्कुल अपना नहीं माना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 के साथ की कंपैटिबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे। देन हम चलते हैं नंबर 2। अब मान लीजिए किसी का बेसिक या डेस्टिनी, ये दोनों पे लागू हो, किसी का बेसिक या डेस्टिनी नंबर 2 है, तो उसकी कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। जो जो सूर्य कहता है कि मेरे दुश्मन, चंद्रमा बोलता है कि मेरे दुश्मन, रीजन वो राजा है और वो रानी है, रानी कहती है जो राजा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। यहां भी क्लियर हो गया आप लोगों को क्या करना है। बस एक नंबर और है जो रानी उससे ना थोड़ा सा चिढ़ती है। क्यों चिढ़ती है, कि राजा उसको बहुत प्यार करता है, राजा उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, और रानी के साथ जो है ना वो कहता है कि थोड़ा सा टाइम कम, तो रानी को बड़ा गुस्सा आता है कि राजा मेरे से ज्यादा किसके साथ, सेनापति के साथ टाइम स्पेंड करता है। नंबर 9, तो 2 नंबर जो है, रानी नंबर जो है वो नंबर 9 के साथ थोड़ी सी कम कंपैटिबल है। ठीक है, बाकी तो वही हो गए, 4 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 हो गया। क्लियर हो गया सबको। अब हम आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 कहता है कि मैं तो देवों का गुरु हूं, दैत्य गुरु से मेरा क्या काम, जब उसका काम ही नहीं है तो क्यों कंपैटिबल करें फिर उससे। एक तो वो हो गया। ठीक है, एक नंबर 4, नंबर 4 एंटी नहीं है 3 के, ऐसे नहीं कहेंगे कि बिल्कुल एंटी है, लेकिन फिर भी नंबर 4 को हम लोग, क्योंकि वो राहु है और जुपिटर का काम होता है बहुत ज्यादा चीजों को एक्सपेंड करना, जिसके साथ वो होगा उनके गुणों को वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देता है, विस्तार कर देता है उनका, और राहु के गुण को अगर उसने विस्तार कर दिया तो ये नंबर खराब हो जाए। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझिए, राहु तेजी से फैलने वाली चीज है और गुरु विस्तार है, तो जब ये 2 नंबर आपस में मिलते हैं तो अगर आप बीमार हुए तो बहुत सीवियर आपको बीमारी होगी। ठीक है ना, क्योंकि राहु ने वायरल है ना, वो मल्टीपल 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 करता चला जाएगा और बहुत बड़ी चीज कर देगा, और जुपिटर उसका विस्तार बहुत बढ़ा देगा, उसको बहुत बड़ा करते। ठीक है,
तो ये चीजें जो है हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए हम 3 एंड 4 को मना कर देते हैं कि मत करो शादी। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 4। अब नंबर 4 तो वही हो गया ना, ना ना तो वो नंबर 4 2 के साथ, ना 1 के साथ, और ना 8 के साथ। 8 फैमिली नंबर है, लेकिन दोनों स्ट्रगलिंग नंबर है। होगा क्या, जब ये परमानेंट रिलेशन में आएंगे तो इनके एक तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, और इसके साथ साथ इन लोगों को एडजस्ट करने में या प्रॉब्लम होएगी होएगी, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगी। ठीक, अब नंबर 5। नंबर 5 एक ऐसा लकी नंबर है, वो कहता है जिसके साथ मर्जी कर दो ना, मैं सबके साथ निभा लूंगा, जो मर्जी आने दो, मैं तो ऐसा जल हूं जिसको थाली में रखो तो फैल जाए, गिलास में रखो तो उससे ऐसा बन जाए, कटोरी में रखो तो उससे ऐसा बन जाए, है ना। तो नंबर 5 कहता है आप आने दो जिसके साथ मर्जी शादी में, मैं सबके साथ अच्छा। ठीक, उसके बाद नंबर 6 की बारी आ। नेचुरल है कि अगर 1 नंबर 6 को पसंद नहीं करता तो 6 नंबर कहेगा कि मैं भी क्यों 1 से मैरिज करूं, तो ये कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं हुई। 3 नंबर ये भी अच्छा नहीं है, बाकी नंबर ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 भी एक ऐसा नंबर होता है, वो कहता है मैं सबके साथ एडजस्ट कर लूंगा, सॉफ्ट नंबर है थोड़ा सा, जो सॉफ्ट नंबर है वो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो नंबर 7 जो है, अगर हम सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है जिसको हम कहते हैं कि इस नंबर के साथ जो है वो नहीं चलाना, तो इस नंबर के साथ नहीं चलाना, वो होते हैं नंबर 8। ठीक है, नंबर 8 थोड़ा सा जो है वो अपना आपको लगेगा कि ये थोड़ा मिस फॉर्चून का नंबर बन जाता है। उसका रीजन क्या है, क्यों बनता है, अब इसके लिए सारी बात मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, ये इसके लिए तो आप लोगों को मेरी क्लास ज्वाइन करनी ही चाहिए, कि बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, क्या कंपैटिबिलिटी, यहाँ मैं सिर्फ मैरिज की बात करने आई हूँ। तो नंबर 8 के लिए मैं यही कहूंगी, 7 के लिए 8 से ना करें, बाकी नंबर से फिर भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है नंबर, अभी मैं किसी के भी क्वेश्चंस नहीं लूंगी, आप लोग हैंड रेज नहीं करना, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए सब, ठीक है, उसके बाद मैं सबके क्वेश्चंस लूंगी, मैं ही भूल जाऊंगी मैं क्या कर रही थी, फिर आप लोगों को उसका नुकसान होगा। अब नंबर 8 की बात आती है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, 1 2 तो बिल्कुल एंटी है इसके, 4 से भी नहीं करनी, 9 से भी अवॉइड करना है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते हैं, तो 8 वालों के पास जरा कम लोग बचे। ठीक है, और अब बात आई लास्ट नंबर 9 के साथ। 9 की जब हम बात करेंगे तो 9 के साथ 2 मैंने मना किया, 9 के साथ एक 4 मना करती हूँ मैं, ये बंधन योग बनाता है, और ये कई बार बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर कटवाता है या कोर्ट केस भी करा सकता है, ये कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, 9 के साथ 8 को अवॉइड करना चाहिए, बेसिक नंबर में आप फिर भी चला सकते हैं, डेस्टिनी नंबर में बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया, अब किसी को ये तो शिकायत नहीं होगी कि किस नंबर के साथ मैम आप बात कर रहे हो, सब लोगों को पता चल गया कि हमें किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी। अब हम आगे बात करेंगे कि मेल का बेसिक नंबर क्या है और फीमेल का बेसिक नंबर क्या है, अगर वो कंपैटिबल है बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रल है तो भी चल सकता है, लेकिन मेल का डेस्टिनी नंबर और फीमेल का डेस्टिनी नंबर, ये हमेशा बहुत अच्छे नंबर की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ये डेस्टिनी नंबर की कंपैटिबिलिटी बेस्ट होनी चाहिए, सारा फोकस आप लोगों का होना चाहिए कि दोनों का क्या डेस्टिनी नंबर मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती, प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी वो बाद में पता चलेगा, 1 एंड 8 की मैरिज आपने कर दी तो 1 तो उनके कभी विचार नहीं मिलेंगे आपस में, और दूसरा उनको हमेशा हेल्थ इश्यूज रहेंगे दोनों हस्बैंड वाइफ, इसी तरह और नंबर्स भी होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को डेस्टिनी नंबर को बहुत ज्यादा फोकस करना है। उसका रीजन क्या है,
आफ्टर 30 हमारा डेस्टिनी नंबर वर्क करना शुरू करता है और वो बेसिक नंबर को ओवरकम कर लेता है, उससे ज्यादा वो रूल करना शुरू कर देता है। यानी कि आफ्टर 30 हम जब तक इस दुनिया में हैं, तो इतनी बड़ी लाइफ हम डेस्टिनी नंबर को के रूल पे जीते, ठीक है? तो उसका रोल हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा होता है। इसलिए जब भी आप किसी पर्सन की मैरिज कंपैटिबिलिटी को चेक करने जाएंगे, देन आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका डेस्टिनी नंबर पे फोकस कर देना है, पहला फोकस आप। बाकी चीजें तो चलिए हम मैच करेंगे, लेकिन इसको अगर 100 में से मार्क्स हूं मैं, तो 50% मार्क्स सिर्फ डेस्टिनी नंबर को। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम आते हैं कि नेक्स्ट हमें अब क्या करना है। ये तो हो गया हम लोगों का, हमने डेस्टिनी नंबर को फोकस कर लिया। नेक्स्ट हमें कैसे किसी की कंपैटिबिलिटी को चेक करना है, ठीक? हमें तीन चार्ट बनाने हैं, एक कागज पे तीन चार्ट्स बना लीजिए, ठीक? जब हम तीन चार्ट्स बना लेंगे, तो हमने क्या करना है, एक तरफ मेल चार्ट लिखना है, एक तरफ फीमेल चार्ट। उसका बेसिक नंबर लिखिए मेल का, फीमेल का बेसिक नंबर लिखिए, मेल का डेस्टिनी नंबर लिखिए, फीमेल का डेस्टिनी नंबर लिखिए। ये हो गया। इस तरह से आपको एक चार्ट बना लेना है और एक चार्ट बनाना है कंबाइंड चार्ट, ठीक है? अब ये जब चार्ट, तीन चार्ट आपके बन जाएंगे, कंबाइंड चार्ट में क्या करना है कि दोनों के जो नंबर्स हैं वो आपने कंबाइंड चार्ट में फिल कर लेने हैं। तो हमें पता चलेगा कि दोनों को मिलाकर अब हमारे पास मिसिंग नंबर कौन से हैं, कौन से नंबर हैं जो इनकी लाइफ में नहीं, ठीक है? और कौन से नंबर हैं जो इनकी लाइफ में होकर वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले मैं आप लोगों के पास आती हूँ, मुझे बताइए क्या इनके बीएन की मेल के और फीमेल के बीएन को कंपैटिबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से। क्या हाँ मेल जी, और फीमेल की कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है? जल्दी लिखिए, जल्दी, फटाफट। आप लोगों को अभी मैंने कंपैटिबिलिटी पढ़ाई है, कर रही है या नहीं कर रही, बताइए। मैम कर रही कितने है। लोग, नहीं कर रही है अच्छा, मैम। 2 एंड 4, 2 एंड 4 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, जल्दी बताइए। रहा है? नहीं, नहीं नेक्स्ट, डेस्टिनी नहीं कर रहा। और कौन कह रहा है नहीं कर रहा? कर रही है मैम। डेस्टिनी कर रहा है, एक बिल्कुल मिनट, डेस्टिनी नहीं। तो, डेस्टिनी तो हम बाद में करेंगे। ज्यादातर लोगों ने लिखा है नहीं कर रही, नहीं कर रही, है ना? ज्यादातर लोगों ने लिखा है नहीं कर रही। कर चलिए, रहा है बहुत अच्छी बात, मैडम। चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप सबको पता चल गया कि हम इनका बेसिक नंबर तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन हम लोगों को आगे कहाँ बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है कि डेस्टिनी नंबर मैच कर रहा है क्या, बताइए। डेस्टिनी नंबर मैच कर रहा है? हाँ, न्यूट्रल है मैम। मैच डेस्टिनी नंबर कर कर डेस्टिनी नंबर कर रहा है, चलिए ठीक है। मैम। नो कौन कौन मैम, ये कह रहे हैं? बंधन योग बना रहा है। नहीं, बंधन योग नहीं बनाता पूनम, 6 एंड 7 बंधन योग नहीं बनाता। मैम अगर आपने कंबाइन चार्ट में कहीं, 2 8 4 आ रहा है, हाँ जी, कंबाइन चार्ट में मैम 2 8 4 आ रहा है। मैं बेटा अभी उस तक आई नहीं हूं, अभी 1 मिनट, 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि डेस्टिनी नंबर दोनों का मैच कर रहा है। हाँ, हम कहेंगे चल जाएगा, क्योंकि 6 एंड 7 है, देव गुरु शुक्र है और केतु उनका शिष्य है, तो चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। इसके इस कंपैटिबिलिटी को हम न्यूट्रल में लेकर आते हैं, बहुत अच्छा नहीं लेकर आते, फिर भी हम कहते हैं चल जाएगा, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम कंबाइंड चार्ट पे आने से पहले हम मेल एंड फीमेल के चार्ट को रीड करते हैं। पिछली क्लास जिन जिन्हों अटेंड करी है, जिन सब ने भी अटेंड करी, जो मैं पूछने जा रही हूँ वो सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं। मेल चार्ट में क्या हार्ड नंबर ज्यादा है या स्वीट नंबर ज्यादा मैम स्वीट नंबर। है? यस,
मेल चार्ट में क्या हार्ड नंबर ज्यादा है या स्वीट नंबर ज्यादा है? तो मेल चार्ट में स्वीट नंबर ज्यादा है, मेल कैसा होगा फिर? इसका मतलब मेल बहुत इमोशनल होगा, वो फैमिली ओरिएंटेड होगा, है ना। मेल खुद चाहे उसकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती है, 2 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, हम नहीं मानते हैं इसको, लेकिन अगर वो क्रिएटिविटी फील्ड में है, अगर वो किसी आर्टिस्टिक फील्ड में है, तो बहुत ही कामयाब पर्सन होगा। और इसके साथ साथ उसका ऑरा ऐसा होगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव, हैंडसम पर्सन, उसकी बातें ऐसी होंगी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते होंगे, है ना। और उसमें एक अथॉरिटी भी होगी क्योंकि 1 एंड 9 है उसके पास। तो यहां से आपने पहचान लिया कि स्वीट नंबर, हार्ड नंबर, ये पर्सन जो है वो स्वीट है थोड़ा सा, अपने डिसीजन तो खुद लेता है क्योंकि हार्ड नंबर भी है उसके पास, लेकिन फिर भी फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत स्वीट पर्सन है। अब अगर हम आ जाए अपने इस नंबर पे, फीमेल चार्ट में, तो क्या इसके पास हार्ड नंबर ज्यादा है या स्वीट नंबर ज्यादा है? हार्ड नंबर ज्यादा है मैम। हार्ड नंबर ज्यादा है, हार्ड तो सिर्फ 1 ही है उसके पास, और कौन सा हार्ड नंबर है? ये कौन पर्सन है जो स्क्रीन पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं? आप ऐसा मत करिए, ये सब खराब, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सबको, ठीक है। स्वीट नंबर ज्यादा है मैडम। स्वीट नंबर 2 है, 6 एंड 8, आधे सेकंड में हार्ड नंबर 1 है, और 7 एंड 4 जो है वो प्लेन नंबर है। प्लेन नंबर वाले। हाँ, जिसे हम न्यूट्रल कहेंगे या ब्रेन के नंबर कहेंगे। तो अगर हम इस लड़की के बारे में कहें, तो ये लड़की जो है वो ब्रेनी लड़की है, स्वीट तो है, इसमें कोई शक नहीं कि प्यार रखेगी, दिल से सोचने वाली होगी, है ना, अथॉरिटेटिव भी होगी, नंबर 1 है, लेकिन 7 एंड 4 क्या कह रहा है? ये बहुत ब्रेनी लड़की है, तो स्वीटनेस के साथ साथ अपने ब्रेन को भी यूज करेगी, इंट्यूशन पावर इसकी बहुत स्ट्रांग होगी, जो बोल दिया इसने वो सच हो जाएगा, अचानक अगर इसने कुछ निकाल दिया मुंह से तो वो सच हो जाएगा। क्या लेकिन हुआ क्या तुम्हें? हमने, मतलब इस चार्ट में, दोनों के चार्ट में एक और चीज नोट की? देखो, आपने हार्डनेस और स्वीटनेस नोट कर ली, आपने ब्रेन भी नोट कर लिया कि ज्यादा तेज दिमाग से सोचने वाली, चलने वाली ये लड़की है, वो लड़का नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज भी तो है वो करनी है कि क्या इनकी लाइफ में हेल्थ कैसी रहेगी। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में चेक करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी तो हम सारी चीजें चेक करेंगे, क्या इनको हेल्थ इश्यूज तो नहीं आने वाले? ठीक है, जब हम यहाँ पर हेल्थ इश्यूज देखते हैं, तो 2 एंड 8 हेल्थ इश्यूज देता है, 8 एंड 4 लड़की को भी हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लाइफ में इंजरीज हो सकती हैं, है ना। और अगर वैदिक में थोड़ी सी भी जानकारी हो, तो जो रेट्रो आपके एस्पेक्ट बनते हैं, तो उसमें 1 एंड 6 का एस्पेक्ट बन रहा है दोनों के ग्रिड में, यानी कि फीमेल ज्यादा बीमार रहेगी। तो ये कंपैटिबिलिटी अगर चार्ट को हम करें, अपना अपना नेचर तो चलिए दोनों का एडजस्टमेंट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हेल्थ वाइज हम देखें तो दोनों अच्छे नहीं हैं। उसके बाद हम करेक्टर देखने अगर आए कि दोनों का करेक्टर कैसा हो, तो फीमेल चार्ट में दिखाई दे रहा है, फीमेल चार्ट में दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इसका एक अफेयर हो चुका होगा मैरिज से पहले। मेल चैट ठीक है। मैम ये कैसे चेक करते हैं? इसके ये लिए कैसे चेक करते हैं? क्लास अब लगेगी। फिर आ जाओ मेरे कोर्स में, पता चल जाएगा कैसे चेक करते हैं। कुछ वही तो। तो छोड़ूंगी ऐसा कि आप लोग मेरे कोर्स में आओ, ये सब कुछ फ्री में देना है मुझे, कुछ तो अपना वायदा करूंगी कि नहीं करूंगी, ओके जी मैडम। करना करना चाहिए करना नहीं करना 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 चाहिए, बताओ चाहिए करना करना चाहिए, करना चाहिए। चलिए, अगर सब कहते हैं करना करना चाहिए करना चाहिए चाहिए तो नहीं बताऊंगी,
अगर सब करना कहते हैं नहीं चाहिए। नहीं मैम फ्री में ही बता दो तो बता दूंगी, बताइए नहीं, वैसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता ना, काफी कुछ बता हाँ दिया ना अच्छा, मैंने फ्री में। चलिए फिर तो मैं आप क्लास में ही बताऊंगी। क्यों पूनम, आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं क्या? करना यस मैम ऑफ कोर्स। चाहती हैं तो फिर तो क्लास में ही बताऊंगी। अब तो आ गई ओके, थी क्लास में अब तो बताऊंगी। मैम आऊंगी जरूर, ये जानने के लिए तो आऊंगी। ठीक है, ये जानना, इतना कुछ जानने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो मैंने 1% 2% ही कुछ बताया होगा। आप लोग को समझ में ऐसे लग रहा है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्लास तो ऐसी होती है जो आप मेरे कुछ स्टूडेंट्स बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। अब हम चेक करते हैं कि दोनों के कंबाइंड चार्ट में क्या योग बन रहे हैं, दोनों का कंबाइंड चार्ट क्या बोलता है। ठीक है, तो जब हम दोनों का कंबाइंड चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो ही नंबर मिसिंग है। यहाँ पर एक नंबर 5 और एक नंबर 3। नंबर 5 कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल और इंटेलिजेंस का नंबर है जो कि दोनों के पास नहीं है, और नंबर 3 हमारी इनर गाइडेंस होती है जो कि दोनों के पास है। ठीक है, नंबर 3 क्या कहता है कि नहीं, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, जितना प्यार से रह लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये प्रकाश जी कौन है जो मेरी स्क्रीन पे लगातार येलो कलर के पेन से लिखते ही जा रहे हैं? चलिए, तो नंबर 3 जो है वो हमारी इनर गाइडेंस होती है, हमें अच्छी सलाह देना, हमें अच्छी गाइडेंस देना। नंबर 3 वाले को अंदर से कहते ना, हमारी अंदर से ऐसी आवाज आई है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो वाली आवाज जो है वो नंबर 3 से आती है। और नंबर 5 हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, हमारी इंटेलिजेंस है। तो अब क्या होता है, और हमारी मनी का नंबर भी है। अब होगा क्या यहाँ पर कि जब दोनों नाराज होंगे ना तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। वो कहेगा कि पहले ये बात करें, वो कहेगा पहले ये बात करें, दोनों के पास ही नंबर नहीं है, दोनों के पास ही इनर गाइडेंस के नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये रिश्ते को मैं नंबर दूं, कितने परसेंट देने चाहिए, तो 50% से ऊपर नहीं दूं। एक तो इनकी मैरिज लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा इनकी लाइफ में फीमेल को हेल्थ इश्यूज ज्यादा आने वाले हैं, वो अक्सर बीमार रहेगी। और तीसरा, इनकी लाइफ में आपस में विचार इनके बहुत कम मिलेंगे। ठीक, और फोर्थ, जब लड़ाई होगी तो एक दूसरे को मनाने के बजाय एक दूसरे से मुंह फेर के बैठ जाएंगे। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, इसके बावजूद भी आपस में प्यार होगा, इसके बावजूद भी ये पार्टीज भी कर लेंगे, इसके बावजूद भी ये घूमने फिरने भी जाएंगे, है ना। और अपने अपने काम में ये काफी हद तक अच्छे रहेंगे। मेल के चार्ट में एक ऐसा योग आ रहा है जिससे हम कह सकते हैं कि आफ्टर 35 या 40, 35 जल्दी हो जाएगा, आफ्टर 40 इसको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी। अब ये योग भी मैं क्लास में ही बताऊंगी जो अटेंड करेंगे, और जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और मेल के योग में एक ब्लेमिंग का भी योग आ रहा है। तो ये रिश्ता कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी पहले आप बताइए, ये रिश्ता नहीं क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना नहीं, चाहिए मैम, नहीं नहीं करना करना चाहिए, बिल्कुल सही है ना, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब एक और हम केस स्टडी ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। मेल तो वही है, मेल तो यानी कि हमारा क्लाइंट है। ठीक है, मेल सेम है, अब हम उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो एक लड़की तो हमने रिजेक्ट कर दी है ना, एक लड़की तो हमने रिजेक्ट कर दी। दो तीन रीजंस थे ना, एक तो बीमार बहुत रहेगी, और दूसरा रीजन और भी था कि वो बीमार रहने के साथ साथ उसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी से पहले कोई ना कोई अफेयर दिखाई दे रहा, तो जाने दो, ऐसी लड़की को हमने रिजेक्ट कर दिया। हम आते हैं, अब एक और रिश्ता आया हमारे पास, अब हम इससे मैच करते हैं। बेसिक नंबर मैच कर रहे हैं, जल्दी बताइए।
टू एंड थ्री बेसिक नंबर मैच कर रहे हैं? यस मैम, कर यस रहे हैं। यस, बिल्कुल सही, डेस्टिनी भी बेसिक कंपैटिबल नंबर। हाँ, और डेस्टिनी, डेस्टिनी मैच कर रही है? यस यस मैम। मैम, 100%, 100% मैच कर रही है। तो यहाँ तो हमारे को बहुत सारे मार्क्स मिल गए कि डेस्टिनी और बेसिक से तो हम पक्का मान लेंगे कि ये रिश्ता हमने करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेल का चार्ट तो हम रीड कर चुके हैं, फीमेल का अगर हम चार्ट रीड करें तो उसमें आप 3 1 9 6 5, ये फीमेल कैसी होगी? स्वीट नंबर और हार्ड नंबर की मैं बात करूं तो मैम थोड़ी अग्रेसिव होगी, हार्ड नंबर ज्यादा है। हार्ड नंबर ज्यादा है, तो ये फीमेल जो है ये अपने करियर को अपने प्यार से ऊपर रखने वाली ऊपर, होगी। हाँ जी, ठीक है, ये अपने करियर को अपने प्यार से ऊपर रखने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 एंड 5 और 6, 3 नंबर ऐसे नंबर उसके ग्रिड में हैं जो मैरिज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि जितना मर्जी ये अपने करियर को ऊपर रखे, लेकिन नंबर 6 जो कि एक स्वीट नंबर है, तो ये अपनी फैमिली के लिए भी थोड़ी डिवोटी होगी। और नंबर 5 जो उसका डेस्टिनी नंबर है, तो ये लड़की सोशल है, ये लड़की इंटेलिजेंट है, ये लड़की सबसे निभा कर चलने वाली है। नंबर 3 जो उसके उसका बेसिक नंबर है, बेसिक नंबर उसको क्या बना रहा है, वो उसको एक नॉलेज दे रहा है, एक इनर गाइडेंस दे रहा है, उसको रिश्तों को निभाने के लिए एक सोच दे रहा है कि नहीं, हमें जो भी करना है बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तब भी एक, हाँ बॉय के उसमें थोड़े हेल्थ इश्यूज जरूर है, लेकिन गर्ल के उसमें जो है कहीं भी हेल्थ इश्यूज आपको नजर नहीं आते ज्यादा। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी पिछले वाले से कैसी है आप बताइए? बहुत मैम अच्छी 100%। अच्छी है मैम। हाँ, तो यहाँ रिश्ता मैंने पक्का कर दिया, मान लो ना, मान लो आप लोगों के कहने से मान रही हूँ, पक्का कर दिया रिश्ता। ठीक है, ठीक, तो सम टिप्स मिले आपको कि कैसे मैरिज कंपैटिबिलिटी। अब मैंने इसमें बहुत कुछ नहीं बताया, क्या नहीं बताया, फीमेल चार्ट में मैंने ये नहीं बताया कि इस लड़की को कभी भी किसी को पैसे उधार नहीं देने। क्यों नहीं देने ये तो मैं क्लास में ही बताऊंगी। तो क्लास कब हो रही है मेरी, क्लास कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है, मेरी क्लास कब हो रही है, तो ये लीजिए, ये मेरी क्लास है। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, और वो अनाउंसमेंट मैंने पिछले बैच में भी की थी, 5th ऑफ अगस्त से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, 10 दिन का कोर्स है और 4999 इसकी फीस। लेकिन ये 4999 की फीस जो है हमारी, 4999 की फीस, ये आखिरी बैच हो, इसके बाद फॉर्मेट चेंज होने वाला है, फीस बदलने वाली है, और ये मैं आप लोगों को हर बैच में बता रही, छुपा कर नहीं करूंगी, अचानक से नहीं करूंगी, बार बार बोल रही हूँ। जिसने भी ज्वाइन करना है, ये लास्ट ऑफर है आप लोगों के लिए, बहुत दिन दे रही हूं मैं आप लोगों को सोचने के लिए। इसमें क्या फिफ्थ क्या ऑफ अगस्त से इंक्लूड अगर ज्वाइन करते करते हैं 10 दिन के लिए, तो ये ऑफर आप लोगों के लिए है, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, और ये हंड्रेड परसेंंट है कि हैं नहीं मैडम? रहेगा। मैंने लेट ज्वाइन किया, क्या क्या कवर इसमें, इसमें क्या क्या कुसुम जी क्या पूछे जा रहे हो? कुसुम जी कुछ नहीं समझ में आ मैडम? रहा। हाँ मैं कह रही हूँ, इसमें क्या क्या कवर होगा इसमें? अरे कुसुम मैम, जी आपने स्टैंडिंग भी में क्या कवर वैदिक होगा कोर्स न्यूमरोलॉजी का में? कोर्स किया हुआ है, आपने मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है, हाँ तो वो सब कुछ कवर होगा, यस आपको मैडम, पूछने की क्या यस जरूरत है। हाँ, वही मैं ऐसा तो वही करूंगी नहीं कि जो सीखना आपको सिखाया वही सिखाऊंगी, बिल्कुल सेम सब कुछ कवर होगा, अच्छा है ना। और कवर क्या क्या होगा, सबसे पहले 1 to 9 एट्रीब्यूट्स बहुत डिटेल में, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हर नंबर के, उसके बाद कंपैटिबिलिटी या हम कॉम्बिनेशन या कंजेक्शंस कहते हैं, उसके बाद ट्राइन्स होते हैं, ट्राइन्स के बाद एंगुलर्स होते हैं, रेट्रो एस्पेक्ट होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सारी वैदिक न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है।
इसीलिए आपको ये चीजें सुनाई दे रही हैं कि समथिंग कुछ डिफरेंट है, सचमुच डिफरेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद ट्रांजिट होते हैं, यानी कि गोचर। अक्सर हम सुनते हैं अब शनि का गोचर जो है वो कुंभ राशि के ऊपर से जा रहा है, ये बातें हम सुनते हैं कि नहीं सुनते? ऐसे ही बिल्कुल आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन के लिए गोचर यूज करोगे, महादशा यूज करोगे, अंतर दशा यूज करोगे, प्रत्यंतर दशा यूज करोगे, और उसके बाद इवेंट, जितने भी इवेंट्स होते हैं, मैरिज के लिए कौन से नंबर होंगे, कब हमने एमडी एडी यानी कि महादशा अंतर दशा कैसे हमने प्रिडिक्ट करनी है, कि शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी होगी, बच्चा कब होगा, ये जो प्रिडिक्शंस है इवेंट वाइज भी सिखाई जाती हैं। देन लास्ट में रेमेडी का चैप्टर होता है। तो यहाँ पर जो है, अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट कुछ बोलना चाहता है, अपना फीडबैक देना चाहता है, तो दे सकता है। मैम पहले तो हम लक्की है, हमें फीस हाँ, भरनी पड़ी है। तुम लोग भी लकी हो, और जो 5 अगस्त को ज्वाइन करेंगे वो लोग भी लकी हो, ठीक क्योंकि अब मैं फीस बढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है, बहुत सारा, और मैं बहुत कम फीस में देती आई हूँ, तो ये लास्ट ऑफर है आप लोगों के लिए, ये ठीक तो है? हम खुद कहते हैं ना आपको कि आप कितने कम पैसों में कितना ज्यादा सिखाती हैं। ज्यादा सिखाते हो तो ये चीज तो है। अब कौन कौन इंटरेस्टेड है, आप लोग अपने नाम मुझे दे सकते हैं, और चाहे तो 1000 पे करके आज के आज अपना इनरोलमेंट कर सकते। जो लोग करेंगे उनको 4999 की ऑफर रहेगी, रहेगी 5 अगस्त तक, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग अभी के अभी 1000 पे कर ठीक सकते हैं और मेरी क्लास की इनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है? आप लोग इसका मैम, बट स्क्रीनशॉट एक और लीजिए। कोर्स इस बताओ, क्या कुसुम जी, एक और कोर्स जोर बताओ, से बोलो। कोई दूसरा कोर्स और बताओ मुझे जो हमें करना है, ठीक है, इसके जो अलावा आपने भी बताओ नहीं मैडम किया ना कोर्स। इसके अलावा क्या कोर्स है? इसके अलावा मेरा एक चैंपियन कोर्स चलता है, ठीक है? वो चैंपियन कोर्स में मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेकर आती हूँ। वो चैंपियन कोर्स शुरू होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी से, 4 दिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है, उसके बाद नेम न्यूमरोलॉजी 5 दिन सिखाई जाती है, उसके बाद थोड़ा सा लोशो ग्रिड सिखाया जाता है, सबको आता है इसलिए उसको मैंने शॉर्ट में ही रखा है, ज्यादातर लोगों को लोशो ग्रिड आता है। उसके बाद जो है पिनाकल साइकिल सिखाए जाते हैं, चैलेंज नंबर सिखाए जाते हैं, और इन तीनों को यूज करके एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, उसमें जो है हम लोग फिर वहां पर प्रिडिक्शंस करते हैं। इसके साथ साथ जब ये हो जाता है तो इसमें बिजनेस न्यूमरोलॉजी, हेल्थ न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस और रेमेडी का सेक्शन जो कम से कम हमारा 6 से 7 दिन चलता है। तो रेमेडी इतनी लंबी कैसे चलती है, क्या करेंगे हम 6 7 दिन में रेमेडीज? तो वो रेमेडीज क्रिस्टल रेमेडीज होती हैं जो आपको डिटेल में सिखाई जाएंगी, यंत्रा रेमेडीज होती हैं, यंत्रा बनाने सिखाए जाते हैं, और उसके साथ साथ वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग नंबर्स होते हैं, महा उपाय होते हैं, सम उपाय होते हैं, और वेस्टर्न स्विच वर्ड्स भी होते हैं। तो इतना सारा कुछ एक चैंपियन कोर्स में। आई थिंक कुसुम जी क्लियर हो गया हाँ आपको, मैम, और मेरे पास क्या क्या है? हाँ जी मैम बोलिए। चैंपियन के लिए कितने पैसे हैं ना? 17,000। 17,599, 25 दिन का कोर्स है। 25 दिन का कोर्स है वो कोर्स किए तो ये पूरी आ जाता है ना उसमें? नहीं, वैदिक न्यूमरोलॉजी बिल्कुल अलग है, अच्छा, इसका ओके ओके उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरे दो कोर्सेज अच्छा चलते हैं, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी और एक चैंपियन कोर्स। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। इसका उससे कोई लेना, ये तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें तो मैं पेमेंट मा महादशाएं। मैम पेमेंट और मंडे करता हूँ मैम, मैम मंडे अरेंजमेंट कर देता श्योर हूँ श्योर, मोस्ट वेलकम, मैं। मोस्ट वेलकम। मेरा मेरा नाम शंकर शंकर है, मैं मंडे कर देता हाँ हूँ। मैं आपको जानती हूँ, आपने मेरा हीलिंग नंबर का छोटा सा कोर्स किया हुआ है, बिल्कुल 2 दिन का, ओके मैं आपको जानती हूँ। चलिए नमस्कार। ठीक है, आई थिंक सबने मन बना लिया होगा, जितने लोग हैं इतने कम उसमें किसी को इतनी अच्छी ऑफर नहीं मिल सकती है, कभी भी इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता कि आप इतना कुछ सीखने जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ 4999। अब आई थिंक सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करूं,
चाहते कि नहीं चाहते? जैसी कुछ बोलना चाहते हो? यस यस मैम, हम लोग रियली लकी हैं क्या हम आपके स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने मेरी फ्रेंड से सुना है कि वो लोग जैसे दूसरे से किए, तो मैं पूछती रहती हूँ, तो सॉफ्टवेयर जो आप दे रहे हो वो लाइफ लॉन्ग एक्सेस दे रहे हो आप, जैसे बिल्कुल हम बिल्कुल आपने आपका ही हो हमको जाता है। हाँ हमारा ही हो बिल्कुल जाता, वी आर द ओनर ऑफ दैट आफ्टर वी डू योर कोर्स। बट दूसरे लोग ऐसे, जैसे दूसरे मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा तो एक साल की एक्सेस देते हैं फिर नहीं देते, जैसे वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए भी एवरी एवरी ईयर दे हैव टू पे 900 रुपीज और वॉट एवर जो भी होता अमाउंट है उनका। है पता है मुझे। तो ये तो मैंने सुना है, जैसे देन दैट टाइम आई फेल्ट के नो आई हैव टेकन अ राइट डिसीजन, मैं राइट पर्सन के पास, गुरु के पास हूँ, एंड लाइक आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा, एंड पेशेंसफुली आप सिखाते हो। जो भी नए स्टूडेंट नए मेंबर्स हैं, मैं बोलूंगी कि आपको करना ही चाहिए कोर्स, ये इतना बोलना चाहती थी। थैंक यू जयती, डेफिनेटली थैंक यू। बबीता डेफिनेटली डेफिनेटली करना है। बबीता आप कुछ कहना चाह रहे हो? बहुत देर से हैंड रेस किया हुआ है। हाँ हाँ मैम, वैसे जयती मैम ने काफी कुछ बोल दिया जो मैं बोलना चाहती थी। मतलब पेशेंस तो आपका कमाल है मैम। मैं कई बार थैंक यू बबीता। ऑफिस में होती हूँ ना, तो मेरे को कभी कभी इम्पेशेंट होने लगती हूँ, तो मैं आपको याद कर लेती हूँ कि मुझे भी पेशेंस से चलिए काम करना बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। आपको पता है। है कि एक बार मैं स्विच वर्ड सिखा रही थी यही वेबिनार में, आप लोग भी होंगे, किसी ने मेरे से बोला कि आप बहुत पेशेंट है, आप बहुत, शायद शंकर जी ने ही बोला था मेरे से कि आप में बहुत पेशेंस वाह है। तो अब किसी किसी ने मेरे से अचानक ही पूछा कि क्या आप पेशेंस का कोई स्विच वर्ड बता सकते हो, तो उनको मैंने यही बोला था जो आज आपने कहा कविता जी। मैंने कहा पेशेंस के लिए स्विच वर्ड की क्या जरूरत है, शंकर जी बोल रहे हैं आपको, आप इतनी पेशेंट है तो मुझे ही याद कर लिया करो। हाँ तो मैं वो वही करती हूँ मैम। एक चीज चीज मैंने और मजाक पूछ में कही थी। बिल्कुल वो चीज मैंने मैंने एक मजाक चीज में कही। और पूछनी थी मैम, ये जो आप सॉफ्टवेयर दे रहे हैं इसमें ये जो कंपैटिबिलिटी है, ये हम मतलब घर पे खुद सीखने के बाद खुद कर नहीं सकते हैं? मैं बताती हूँ, ये एक छोटा सा एक्सेल एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आप, मैं आपको सिखाऊंगी एमडी क्या है, एडी क्या है, कैलकुलेशंस तो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। वो कई सालों की उसमें उस सॉफ्टवेयर में दी हुई है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको कई सालों की वो जो भी आप डालोगे वो उसमें आ जाती है, ठीक है। तो आपको उसमें कहीं भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको एमडी एडी पीडी सारी की सारी वहां कैलकुलेट करके आ जाती है। ये वो एक्सेल शीट पे सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ऐसा बड़ा नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो मुझे एक पर्सन मिल गया है, मैं अपना ही पूरे नोट्स का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाऊंगी जो आप लोगों को और ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे आपने आज कहा कि आप कंपैटिबिलिटी भी सारे नोट्स लिखे हुए उसमें आ जाएंगे कि इनकी कंपैटिबिलिटी क्या है, जरूर बनाऊंगी बबीता, ऐसा भी बनाऊंगी, ठीक है। एक कोर्स लेकिन कब चालू अभी हो जाएगी मॉम? मॉम ये कोर्स कब चालू हो जाएगी? 5 अगस्त, 5 अगस्त, नहीं, ये तो 5 अगस्त है, वो मास्टर कोर्स है ना वो। अच्छा चैंपियन चैंपियन हम लास्ट हाँ वीक में सॉरी, सोच रहे हैं, अगस्त की, अभी चल रहा है मेरा बैच, तो ओके लास्ट में देखते हैं हम कब शुरू करते हैं उसको, आपको डेट बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद मॉम। अगस्त की लास्ट वीक में, अगस्त 1 महीना है अभी उसको, ठीक है। हाँ प्रियंका कुछ बोलना चाहती हूँ, बोलिए। मैम एक मेल और फीमेल चार्ट मेरे पास भी है, जिसमें मैरिज में मैम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर आप ये भी एक बार दिखा सकते हो तो इससे पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। श्योर, और रिसेंटली हाँ मैरिड है, 2 महीने हुए हैं शादी को बस, और अभी से ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जरूर गई हैं। जरूर हम करेंगे, अभी सबको इंटरेस्ट होगा तो जरूर करेंगे। नेहा नेहा क्या कहना चाहती है? हेलो मैम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है नेहा, और आई एम बताओ। रियली सॉरी, मेरा पता नहीं क्यों ये कैमरा चल नहीं रहा है। इट्स अ न्यू लैपटॉप, तो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, और मुझे चलाना भी नहीं आ रहा है। लेकिन बस मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि मैं मैम की बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ, और मैम बहुत अमेजिंग करवाती हैं। इनके जैसा गुरु मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, तो प्लीज इसको आप मिस मत करना।
इस अपॉर्चुनिटी को जरूर देखना, बिकॉज इनकी वजह से ही जहाँ पे भी हूँ आज मैं वहां पे हूँ. आई एम डूइंग अ वेरी गुड यू नो वेरी गुड इन न्यूमरोलॉजी, इन टैरो, इन वास्तु. और न्यूमरोलॉजी और वास्तु तो उनसे ही सीखा है, और ये बहुत अमेजिंगली कराती हैं, तो प्लीज डोंट मिस इट, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. नेहा, गुड टू सी यू. आपका कैमरा नहीं चल रहा तो मैं आपको जरूर लेकिन आई एम देखना ट्राइंग, चाहती, मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ, इफ आई बट कैन बी एबल टू. नेहा, आप लोगों को सबको बता दूं, नेहा जब शायद कोरोना शुरू हुआ था, ऑनलाइन कोर्स इसने मेरे से किया था, तो ये मेरी कितनी पुरानी स्टूडेंट है, और सचमुच मुझे प्राउड है इसके ऊपर, ये बहुत अच्छा कर रही है. अब तो यूट्यूब पे भी आ चुकी है, बहुत अच्छा. जयती जानती है, जयती भी मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है, तो ये जानती है बिल्कुल. तो थैंक यू नेहा, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो हाँ मच मैम. मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप देख पाऊँ, मैं फोन से लॉग इन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर वीडियो चलता है तो मैं डेफिनेटली आपसे बात करती हूँ. श्योर श्योर श्योर. हाँ ओके कुसुम जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, फिर से बताइए क्या कहना चाह रही हैं. वॉइस नहीं आ रही, हमें तो आ रही है, बाकी सबको आ रही है वॉइस? वॉइस आ जरूर रही है? आ रहा है, आ रही चलिए है. चलिए. कोई और लोग कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड? हाय नेहा, चलिए अच्छा कि आपने मोबाइल से ज्वाइन कर लिया, बहुत दिनों बाद आपको देखा है. अनम्यूट अनम्यूट करो. हाँ अब आई एम सेइंग कि मैंने भी बहुत टाइम बाद आपको देखा है. आई थिंक ये मेरा यहाँ पे भी चल पड़ा है, कुछ रुको ये क्या हुआ, वेट. चलिए ठीक नहीं है जी. तो मैम थैंक है. यू सो थैंक मच फॉर एवरीथिंग मैम. थैंक यू, मोस्ट वेलकम नेहा. यू. रुचि बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस मैम एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जो हम थर्ड चार्ट बनाते हैं और कंपेटिबिलिटी वाला, वो फुल हो जाएगा तो उसका क्या मीनिंग होती है? वो तो मजा ही आ गया ना, अगर वो फुल हो गया तो बस आंख बंद करके शादी कर लीजिए, लेकिन डेस्टिनी नंबर मैच होना चाहिए. बस डेस्टिनी फर्स्ट नंबर भी मैच. प्रेफरेंस, जी फर्स्ट प्रेफरेंस हमने डेस्टिनी नंबर को दी. फिर अगर चार्ट फुल हो गया फिर तो आप कह दीजिए ना, हम लोग कैसे कहते हैं पंजाबी में, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है ना? तो वो चीज है, डेस्टिनी वो फिर तो आप नंबर बोली नहीं, चढ़ा मतलब दीजिए. 6 7 8 है. हाँ जी डेस्टिनी नंबर नहीं है वो, 6 7 8 है. एक मेल हाँ, का यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है. फिर मैं जी. नहीं आपको कहूंगी, जितना मर्जी चार्ट फिल हो जाए, डेस्टिनी नंबर मैच नहीं किया तो आगे जाना ही नहीं है, चार्ट बनाना ही नहीं है, मेहनत क्यों करो फिर मेहनत क्यों ओके करो, तो ठीक है? तो सबसे पहले प्रॉब्लम. देखो कि डेस्टिनी नंबर मैच करते हैं, देन आप आगे वाले चार्ट बनाओगे. ओके ठीक और है मैम. डेस्टिनी नंबर पावरफुल होना चाहिए सामने वाले का, आपकी लाइफ जी में बहुत कुछ लेकर आए वो. मैम, ओके ठीक, साइक्लिक बेसिक नंबर एंटी और डेस्टिनी मैच हो रहा तो बेसिक नंबर एंटी है तो कैसा एंटी, ये देखना बहुत जरूरी है. एक एंटी होता है जैसे कि बिल्कुल एंटी, 1 एंड 8 बिल्कुल ओके. एंटी है, ठीक है? लेकिन एक एंटी होता है कि 1 के साथ 7 या 4 आ गया, ठीक है? तो कौन सा वाला एंटी है? अगर वो न्यूट्रल है, थोड़ा सा जिद आ रही है, वो चीजें आ रही है, लेकिन बेसिक डेस्टी नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिबिलिटी है, तो उसको हम फिर भी चला ले. डेस्टिनी नंबर मोर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपैटिबिलिटी, ये सिर्फ मैरिज नहीं, अगर बिजनेस की भी कंपैटिबिलिटी आप मैच करने जाएंगे तो यही होगा. कुसुम जी, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, सबको आवाज आ रही है. आ रही है, अब वो बेचारे तो सुन ही नहीं पा रहे, वो कह रहे नो वॉइस, तो वो मेरी ये बात भी नहीं सुन पाएंगे. चलिए आप लोग और क्वेश्चन जिससे इसने पूछना है, किसी को कोई और क्वेश्चन हो बताइए, कोई और क्वेश्चन पूछना है? मैम डेस्टिनी नंबर में 4 और 7 आ रहा हो तो फिर हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, मान ले कि राहु और केतु नहीं है. नहीं बिल्कुल भी नहीं. जिसने भी ये कहा कि राहु और केतु देख लिया तो बहुत कुछ हो गया. राहु और केतु जब आपस में मिलते हैं ना, तो वहां बहुत हम लोग कह बन देते हैं कि दोनों के सिर मिल गए, धड़ मिल गया, एक पूरा पुरुष बन गया, लेकिन वो पुरुष जब अलग हुआ था तो कट के अलग हुआ था, ठीक है? जाए. जब आप उसको जोड़ोगे तो वो पूरा पुरुष नहीं बनेगा, वो वहां का जो कट है उसका दिखाई देगा, और उनको याद आएगा कि हमें इस दर्द से गुजरना पड़ा था, हमें ये दर्द मिला था उस समय, तो उनका गुस्सा बढ़ जाएगा, और जब ये गुस्सा बढ़ता है ना,
तो ये बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज देता है। 4-7 कॉम्बिनेशन हो, यहाँ अगर कोई बैठा है तो मेरी इस बात को सेकंड करे, क्या आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं? यस, बॉडी एक, स्पाइनल कॉर्ड पेन या फिर कोई लेग्स पेन या सर्वाइकल, ये रहते ही होंगे, 100% रहते हैं। बताइए मुझे, है कोई 4-7? तो यस इसलिए फोर सेवन मैम, मेरी सिस्टर 4 की है, उनके हाँ हस्बैंड 16 नवंबर बॉर्न है, तो 4-7 का कॉम्बिनेशन हुआ। एंड माय सिस्टर हाँ इज गॉट बैक पेन एंड वो स्पाइनल कॉर्ड और सब रहेगी सब रहेगी रहेगी। हाँ छाया जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ मेरा भी, मेरे हस्बैंड का 7 है डेस्टिनी और मेरा 4 है। तो मेरा वैसे भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेग से मैं डिसेबल हो गई हूँ और बैक पेन हो, और हस्बैंड को भी पेन लेग के रहेगी। पेन रहता है। तो ये जो लोशो से बहुत चीजें ऐसी बताई गई हैं, मैं तो दोनों ही चीजें हमेशा सीखी हूं, मैं तो बहुत कुछ सीखी हूँ, मतलब सिर्फ लोशो वेदिंग क्या पाइथागोरस सब कुछ सीखी हूँ मैं, मैंने कुछ छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कौन सा बेटर है और किसकी क्या चीज सुंदर है। मैं तो हर चीज वो एडॉप्ट कर लेती हूँ जो जिसकी होती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोशो की अच्छी चीज है या पाइथागोरस अच्छा है या वैदिक अच्छा है। हमें जहां से फायदा मिल रहा है, हमें जहां से एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या हमारी प्रिडिक्शन लेवल बहुत अच्छी हो रही है, हमें वो अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने ये सब चीजें लगाकर देखी है, इतने सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। 4-7 जब भी मिलेंगे ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो अगर डेस्टिनी नंबर में ये आ रहा है तो हेल्थ इश्यूज लेकर आएगा, पक्की बात है बबीता जी। हाँ आप अनम्यूट कीजिए, नहीं समझ आ रहा मुझे, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जब आप ये बता रहे थे ना कि वो दोनों को याद आएगा गुस्सा, तो मेरा फोन का वो बैटरी खत्म हो गया था एकदम, उसके बाद 2 लाइनें सुनी ही नहीं मैंने। मैंने फिर से इसको लगाया चार्ज पे। कि चलिए कोई नहीं, यही बता रही थी मैं यही चीजें बता रही। ठीक है, तो मैच ठीक नहीं। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो प्रियंका का हम क्वेश्चन लेकर एक मैच करते हैं। प्रियंका ने बोला कि आज का जो चैप्टर है उसमें एक जो भी कपल है उसकी जस्ट मैरिज हुई है और उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम करें मैच? प्रियंका बताएंगे आप, मैं हाँ स्क्रीन जी शेयर मैम, करती हूँ 1 मिनट। हाँ बोर्ड निकालती हूँ मैं, आप जो है बताइए। माला आप क्या कहना चाहती हैं? आप कुछ कहना चाहती हैं माला? यस मैम। मैम चरण स्पर्श, मुझे ये पूछना था मैम पॉइंटलेस। कि जैसे हम बेसिक बेसिक मिला रहे हैं, डेस्टिनी डेस्टिनी मिला रहे हैं, तो क्या बेसिक और डेस्टिनी भी मिलाना जरूरी है? नहीं, वो जरूरी नहीं, वो नहीं। वो आपको जरूरी बेसिक से बेसिक, डेस्टिनी से डेस्टिनी, और मोस्ट और मैडम, इम्पोर्टेंट हमारा डेस्टिनी, बस ये याद रखिए। जैसे बेसिक में अगर 7-4 आ जाए तो चल जाएगा, प्रॉब्लम वहां भी होगी लेकिन कम होगी। डेस्टिनी में अगर 4-7 आ गया तो ज्यादा प्रॉब्लम। आफ्टर 40 वाली बात है ना? हाँ आफ्टर 30, आफ्टर 30 शुरू हो जाता है डेस्टिनी नंबर वर्क करना और वहां प्रॉब्लम ज्यादा है। थैंक यू मैम। नेहा, नेहा कुछ कहना चाहते हो? हाँ नेहा, नो मैम, अच्छा आपका हैंड रेस था। चलिए प्रियंका बताइए, बताइए प्रियंका मैम डेट ऑफ बर्थ। मेल की डेट ऑफ बर्थ है 1st अप्रैल 1 अप्रैल 1984 1984, ठीक है, एंड और फीमेल फीमेल की? की है 12 जनवरी 12 जनवरी 1985। 1985। चलिए हाँ जल्दी जी, लव से दोनों मैरिज है का, मैम। वो कोई बात नहीं, लव मैरिज तो होने दीजिए। ये 1 एंड किसका नाइन कॉम्बिनेशन हो गया? 4, 4, 8 एंड 9, 1 एंड 9 का। ये मेल मेल है ना, 1 एंड 9 मेल हाँ जी मैम, है, हम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे, हम लिख लेते हैं मेल। मेल एंड ये हो गई हमारी, फीमेल। हाँ ये हो गई हमारी फीमेल। चलिए इसका कॉम्बिनेशन कितने का है बताइए? 3 एंड 3 एंड 9
27 9 है, ये भी 9 है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए यहां तक आ गया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, अगर हम डेस्टिनी नंबर को देखें तो 1 and 3 का कॉम्बिनेशन है, सॉरी साइकिक नंबर, बेसिक नंबर, ये हो गया हमारा बीएन, ठीक है। और अगर हम दोनों का डेस्टिनी नंबर देखें तो 9 and 9 आता है, ठीक है, ये हो गया हमारा बीएन। यहां तक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अभी करते हैं कंपैटिबिलिटी, लेकिन इसके साथ साथ हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक। ये हो गया गर्ल का चार्ट और ये हो गया बॉय का चार्ट और ये हो गया, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, वो बॉय का, ये गर्ल का और ये हो गया कंबाइंड चार्ट, ठीक। तो हम यहाँ लगाना शुरू करें। गर्ल के चार्ट में नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 9 है मेल के चार्ट में और नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 3 नहीं है, नंबर 7 नहीं है और नंबर 5 नहीं है। मैम बीच में 1 रहेगा ना, ओ सॉरी उल्टा लिख गई क्या मैं, थैंक यू जयती। ये फीमेल में 3 है, एक मिनट मैं हाथ से ही लिख देती हूँ, उसमें मेल में 3 है ही नहीं मैडम, है ना वो डेस्टिनी है 3, नहीं नहीं डेस्टिनी 3 नहीं है, वो बीएन है, दोनों का बीएन है, वो मैं चलिए ठीक है। 1 9 है एंड 4 है, ठीक है, और 8 है, बस यही है ना, 1 भी डबल है, 1 भी डबल है। चलिए अब फीमेल का चार्ट फिल करते हैं, तो नंबर 2 हो गया, नंबर 1 हो गया, नंबर 1 डबल हो गया, नंबर 9, नंबर 3 और नंबर 8 एंड नंबर 5। अब ये वाले चार्ट कर लें हम लोग, तो 3 भी आ गया, 1 भी आ गया, 9 भी आ गया और 5 भी हो गया, 2 भी हो गया, 8 भी हो गया एंड 4। चलिए अब हम इस चार्ट को रीड करते हैं, ठीक, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं। अगर बीएन नंबर को हम देखें तो बीएन नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा कंपैटिबल आ रहा है, बहुत ही अच्छा कंपैटिबल आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम डीएन को देखते हैं, जिसको मैंने कहा 100 में से 50 मार्क्स देती हूं मैं, अगर हम डीएन को देखते हैं तो वो 9 9 का कॉम्बिनेशन, 9 9 के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आग इधर भी लगी है और आग उधर भी लगी है, इधर भी मार्स और उधर भी मार्स, तूने कुछ कहा तो मैं तुझे जलाऊंगा और मैंने कुछ कहा तो मैं तुझे जला दूंगी, समझ रहे हैं आप लोग, या तो ये नंबर, ये इसको हम कितने मार्क्स देंगे फिर, क्या आप ऐसे डीएन, हाँ क्या आप इसकी मैचिंग ऐसे किसी की करवाना चाहेंगे, ऐसे पर्सन की जहां दोनों तरफ आगे लगाने के नंबर, नहीं कराना चाहेंगे, तो ये बिल्कुल ही मना कर देंगे। इन लोगों की इतनी तूतू मैमे होगी, इतनी लड़ाइयां होंगी और कोई एक दूसरे से झुकने को तैयार नहीं है, खासकर गर्ल तो बिल्कुल नहीं झुकने वाली, क्यों 319 है, बॉय में भी बहुत अकड़ है, दोनों में है, उसके पास अकड़ वाले नंबर देखो, 119 और 4। हाँ 4 में है मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 2 महीने हुए हैं और इनके बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं दोनों तरफ से, मतलब पूछो मत क्या क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट तक शुरू हो गई। मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा, ये डेस्टिनी क्या कह रही है आप उनको कि तू मेरे को आग लगा मैं तुझे आग लगाती हूँ, कोई नहीं झगड़ने वाला, दोनों एक दूसरे को जलाएंगे बैठ के, ठीक है।
इधर से और उधर देखो तो ऊपर हार्ड नंबर, पूरी लाइन है। फिर भी लड़की जो है वो फिर भी कोशिश कर सकती है कि थोड़ा स्वीटली बोलने या थोड़ा इंटेलिजेंस यूज कर ले, लेकिन लड़की में एक प्रॉब्लम होएगी, वो अपनी मैरिज लाइफ से ज्यादा, अपनी शादी से ज्यादा अपने करियर को महत्व देगी। उसके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार उसके बाद। और वैसे आप उसको अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत स्वीट बोलती है, बड़ा सॉफ्ट बोलती है। प्रियंका ऐसा है कि नहीं? मैं तो बोलती चली जा रही हूँ। हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये ऐसे ही है कि कोशिश तो लड़की कर रही है बनाने की, लड़के को तो मतलब इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब वो बिल्कुल बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। लड़की कोशिश करती है बट जहाँ वहां से रिप्लाई अगर गंदा आया तो वो भी वही गुस्से में फिर वही चीज होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन और लड़की बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, लड़की हाँ जी बहुत ज्यादा, उसको आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होगी वो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में इतनी इन्वॉल्व हो जाएगी कि उसको अपनी फैमिली लाइफ पीछे रखेगी वो। और इस लड़की की किस्मत है, एक नंबर का योग ऐसा है कि इसकी किस्मत है कि इसको फैमिली लाइफ से कम अनबन रहेगी और अपने करियर में बहुत सक्सेस मिलेगी। अब ये योग क्या है ये तो मैं क्लास में बताऊंगी। मैम अच्छा बहुत तंग कर रही है आज। बहुत मैम बहुत कुछ क्लास में बताने के लिए छोड़ दिया है तो ना। मैम आप जैसे ये शादी हो गई है और बन नहीं रही है तो क्या होगा, एंड क्या होगा, डिवोर्स होगा कि देखो क्या अब मैं होगा? बताती हूँ, ये हमारी मैरिज कंपैटिबिलिटी की क्लास है और मैंने यहाँ आपको बता दिया कि उनकी नहीं बनेगी। शादी टूटेगी या रहेगी ये चीज जो है ये हमें उनकी एमडी एडी क्या चल रही है, उनके गोचर क्या चल रहे हैं, दोनों के जब तक हम वो पूरा चेक नहीं करेंगे हम इस चीज का आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, यहां पर लड़के के पास नंबर नहीं है बिल्कुल भी शादी को निभाने वाले, इतनी हाँ गारंटी है। सच लड़की के पास एक नंबर है शादी को निभाने वाले, वो ही कोशिश करेगी। लड़के के पास एक भी नंबर नहीं है कि वो शादी को निभाए। हाँ जी अगर यहाँ पर डाइवोर्स होगा तो लड़का मांगेगा कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैम, लड़का ही मांग रहा है डिवोर्स और लड़की देना बस नहीं चाह रही, लड़का मांग ही जा रहा, वो पेपर ठीक साइन तक भेज दिया उसने। हाँ है ना। तो ये चीजें जी जो हैं, तो आई थिंक आप लोगों को काफी मजा आया होगा। मुझे तो नहीं पता था कि प्रियंका ये केस स्टडी ले आएगी, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा कि लेकर आई। तो आप लोगों को जो आज मैंने पढ़ाया है उसकी आपको क्लैरिटी हो गई है ना। हाँ जी मैडम मैम, एक बिल्कुल मिनट ठीक बता, है मैडम ठीक है ना। तो आई थिंक मैडम। आप लोग इसी तरह मेरे से मिलते रहे, बहुत सारी फ्री में तो टिप्स देती हूँ इसमें कोई शक नहीं है। और क्लास क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो मोस्ट वेलकम। मिलते मैडम हैं टाइमिंग अगले क्या हफ्ते रहेगी, क्लास टाइमिंग क्या की। रहेगी? टाइमिंग्स हाँ आप जी क्या रखना चाहती है ये बताइए। मैं तो शाम को रखना चाहती हूँ, 4-5 बजे, शाम को रखना, बस बस फिर 4 बजे से कर ले। क्योंकि रात को फिर खाने का टाइम हो जाता है, बहुत देखिए प्रॉब्लम अब ना मेरे पास दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। हो जाती एक तो आते हैं कहते हैं मैम हम बिल्कुल फ्री होते हैं, आप चाहे 12 साढ़े 12 रख लीजिए या आप 3:30 4 बजे रख लीजिए। उसके मैडम। बाद वो तो हमारे अनमैरिड नहीं होंगे वो अनमैरिड होंगे जो अनमेरिड ये बोलते हैं या फिर हाउसवाइफ, वो कहते हैं ना भी शाम को तो फिर बच्चे आ जाएंगे फिर हम लोग नहीं कर सकते, नहीं नहीं ठीक है। कर सकते एक इस तरह के होते हैं कि वो कहते हैं कि मैम हम ऑफिस जाते हैं, आप 4 बजे रख लोगे तो हम कैसे ओके सीखेंगे, ठीक है। तो हाँ मैं बहुत ही जल्दी ये सोच रही हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के 2 बैच लेकर आऊं जिसमें दोनों की जरूरत पूरी हो जाए, ठीक। थैंक यू तो मैडम। कोशिश करूंगी इस बार ताकि जो लोग जो हैं वो लोग रात को अगर सीखना चाहते हैं तो मैं 8 बजे से उनका बैच ले सकूं, और जो लोग शाम को सीखना चाहते हैं 4 बजे से उनका बैच ले सकूं, ठीक है। थैंक यू तो अभी मैडम, चार थैंक यू। बजे वाला 4 बजे वाला बैच फाइनल हो चुका है क्योंकि उसके स्टूडेंट मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। बाकी रात का बैच अगर वो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके साथ में जरूर बना, ठीक। हाँ चलिए जी, गुड इवनिंग मैम। नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड हाँ इवनिंग संजीव मैम। जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी
बोलिए। मैं कह रहा था कि जैसे कि ये जो आपका वैदिक वाला कोर्स है, तो हाँ जी, इसमें जैसे न्यूमरोलॉजी जो बेसिक है वो पूरी की पूरी रहेगी या मतलब? पूरी आएगी। अभी तो मैं, आप शायद लेट आए, आपने सुना नहीं हाँ जी, होगा, थोड़ा सा लेट आया था मैं जी। शुरुआत होती है हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की हर नंबर के 1 to 9 एट्रीब्यूट्स के साथ, हाँ देन जी उनके मल्टीपल नंबर्स के साथ, ठीक है। देन उसके बाद उनकी जो कंपैटिबिलिटी है, कंजक्शंस है, यानी कि कॉम्बिनेशंस है। फिर उसके बाद उसमें ट्राइन्स होते हैं, यानी कि तीन तीन नंबर्स होते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। देन उसके बाद उसमें जो है एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में होती है ना दृष्टि, ये इसकी दृष्टि तो नहीं पड़ रही इसके ऊपर, तो ये कहीं शनि की दृष्टि पड़ी तो वो जी वहां काम खराब हो जाएगा, जुपिटर की दृष्टि पड़ी तो वहां अमृत की वर्षा होगी, तो उस तरह से वहां पर होगा, ठीक है। सारे आपको एस्पेक्ट सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन लेवल ओके शुरू होता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा और गोचर। उसके बाद इवेंट सिखाए जाते हैं कि इवेंट को कैसे प्रिडिक्ट करना है, देन रेमेडीज होती है। तो ये ये पूरा टोटल कितने दिन पैकेज क्लास है, होता है मैम? अच्छा, ये 10 दिन की क्लास होगी, ठीक है, 10 दिन के हो। अच्छा, ये पूरे इसमें 10 दिन की क्लास। सर्टिफिकेशन भी होगा या सिर्फ? हाँ जी, सर्टिफिकेशन भी होगा इसमें, किसी सर्टिफिकेट मिलेगा अपने को? समझ नहीं कोई आया मेरे को। सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट, मिलेगा अपने को? यस बिल्कुल। आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, मैंने आप भी शेयर किया था, मैं आपको फिर से कर देती हूँ। सर्टिफिकेट 100% होता है, मेरा कार्मिक वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के नाम से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। ये देखिए, आपको बोनस में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट तो मिलना ही मिलना है। एक छोटा सा बराबर। सॉफ्टवेयर मिलेगा जो एक्सेल शीट पे होगा, जिसमें सारी कैलकुलेशंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको हाँ पूरे नोट्स मिलेंगे और रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। 6 मंथ का एक्सेस होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 5th अगस्त से ये कोर्स शुरू हो रहा है मेरा, और ये बैंक डिटेल्स ठीक हैं, अगर आप है। हाँ, करना इसकी चाहते हैं इसकी कोई स्क्रॉन भी। स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया है। ये नंबर जो हाँ लिखा जी, है 997, ये इसकी शॉट मैंने ले लिया है आपका। जो ये नंबर लिखा है 997 11, ये आपका नंबर है या कहीं ये कोई? मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। अगर आप फीस पे करना चाहते हैं तो ये पेटीएम, जीपे और फोन पे का नंबर है, और ये स्कैनर है साथ में, और हाँ जी, बैंक हाँ जी, अकाउंट नंबर भी है, ठीक है। ठीक है ठीक इसका आप है ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इस पे पेमेंट कर सकें, ले लिया मैंने, ले लिया मैम। ठीक, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। मैम 5 अगस्त को जो क्लास होगी मैम, वो कितने बजे होगी मैम, टाइम बताएं। अभी तो 4 बजे से ही टाइम उसका है, आगे मैं देखती हूँ और कितना बैच बनता है, ठीक है उर्मिला। अभी जो सारे स्टूडेंट्स आए हैं सब 4 बजे वाले आए हैं मेरे पास, ठीक है। मैम हमारा तो मैम चलिए शाम को वो बताइए, होते हैं शाम को होगी तो फ्री। जरूर जरूर आपको लूंगी मैं, शाम को होगी तो मैं देखती हूँ, अगर बैच बनता है तो जरूर शुरू करेंगे। चलिए इसी के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ, और अगले हफ्ते फिर आप लोगों को कुछ सिखाने आऊंगी, कुछ अच्छा, कुछ नया टॉपिक, ठीक।